नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस के अंतर्गत एक छोटा सा नोटिस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है और वो नोटिस यूपी कांस्टेबल के लिए जो भी विद्यार्थी हैं जो उसका फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बात पर परेशान हैं कि क्या यूपी पुलिस जो है उसका जो हमने आवेदन किया है क्या उसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमारी फ़ोटो गलत लग गई है, हमारा सिग्नेचर गलत लग गया है, उन सारे विषयों का समाधान जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका छोटा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, तो अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप स्वयं से भी देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है और यहां पर आप देखें ये जो लेटेस्ट न्यूज है ये सामने चल रही है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षण नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है ना, और उसके संशोधन के लिए ये जारी किया गया। ये देखिए, ये आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तारित किए जाने हेतु, ठीक है, जनवरी में, अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत सम संख्या विज्ञप्ति, ये दिनांक आपका जो है इस दिनांक से इस दिनांक तक आवेदन पत्र जो है प्रारंभ किए गए थे 27/12 से 16/1, ठीक है, 16/1 तक के लिए आपका, मतलब आज अंतिम तिथि है, अगर आप देखें तो एक प्रकार से अंतिम आवेदन जो है वो आज का समय का है, 27/12 से 16/1/2024 तक आपका जो है तिथि है और संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि 18/1/2024 निर्धारित की गई, मतलब 2 दिन आपके पास और एक्स्ट्रा है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने एवं प्रमाण पत्र डिजी लॉकर मैनुअल अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थी की अधिक संख्या संभावित होने के दृष्टिगत शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन को विस्तारित करते हुए 17/20/1/2024 तक कर दिया गया है। अब यहाँ क्या रहा है ये समझो, देखो इन्होंने कहा कि भाई देखिए फॉर्म की अंतिम तिथि 16 तारीख तक है और उसके बाद हमने एक दिन का टाइम दिया था 17 तारीख का ताकि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई एरर होता है तो आप उसको सही कर लीजिए, लेकिन ये खुद समझ रहे हैं कि भाई वैकेंसी का नंबर्स बहुत ज्यादा है तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा आएंगे और लास्ट डे सबसे ज्यादा आते हैं और लास्ट डे जैसे ही आपका जो है विद्यार्थी भरेंगे तो कई विद्यार्थी जल्दी में आवेदन फॉर्म में कई चीजें गड़बड़ कर देंगे, पिता के नाम में गड़बड़ी कर देंगे, माता के नाम में गड़बड़, कहीं कुमार कहीं कुमारी लगा देंगे, ये होता है, बिल्कुल आपने देखा है ना, और इस कारण से वहां पर कोई गलती हो जाएगी या फिर पेमेंट जो है उसका गेटवे अटक जाएगा, पेमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, किसी कारण से स्टक हो जाएगा, तो उन सभी चीजों को देखते हुए जो आपकी तिथि 17 तारीख रखी गई थी उस तिथि को चेंज करके कितना कर दिया गया है, 20 तारीख कर दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा आपको 3 दिन और दिए जाएंगे। यहाँ पर इस बात को पूरा आपको फॉर्म बढ़ाने की तिथि नहीं दी गई है, ये तिथि फॉर्म भरने की नहीं है, ये संशोधन और पेमेंट की है, मतलब अंतिम तिथि तक जिसका पेमेंट नहीं हो पाया या जिसका सब कुछ हो चुका है लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे डिजी लॉकर से वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाए या किसी भी कारण से आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वहां नहीं पहुंच पाए, तो उन सभी के लिए प्लस जिन्हें संशोधन करना है उनके लिए यहां पर समय दिया गया है, आप इसे स्वयं से पढ़ सकते हैं। अतः अभ्यर्थी उपरोक्ता अनुसार दिनांक 17/1/2024 से 20/1/2024 तक शुल्क समायोजन, शुल्क समायोजन मतलब अगर पेमेंट का कोई समस्या है, आवेदन में संशोधन तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए हैं वह डिजी लॉकर के माध्यम से अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा, फॉर्म एक्सटेंड नहीं हुआ है, यहां पर सिर्फ एक्सटेंशन जो है वो संशोधन का दिया गया, किसका दिया गया है, संशोधन का दिया गया कि भाई आपका फॉर्म जो है वो आप संशोधित कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो, लेकिन आप चाहो कि नहीं नहीं भाई मुझे तो फॉर्म भरने की तिथि यहां पर दिख रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जिन्होंने फॉर्म भरा है आप सभी के लिए देखिए 20 तारीख तक अंतिम तिथि है, डिजी लॉकर से अपने फॉर्म अपलोड करिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वो अपलोड करिए, एक बार फॉर्म और अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आपको किसी भी तरह से कोई समस्या लग रही है उसमें, भाई उन्होंने कहा है फोटो इस साइज का होना चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना ही चाहिए, सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, इतने मेगापिक्सल होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए, वो सब चेक कर लीजिए, कहीं पर अगर आपको रत्ती भर भी डाउट है तुरंत चेंज कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर सिर्फ
सिर्फ पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी डाउट लगता है कि मेरी फोटो खराब गई है सर, मेरा सिग्नेचर आपका जो है वो पूरी तरह से प्रिंटेड नहीं दिख रहा है, मेरे नाम में कुमार कुमारी गलत लग गया है या नहीं लग गया है, वो तुरंत चेंज कर लीजिए। और पेमेंट गेटवे आपने जहां से फॉर्म भरा है, जैसे फॉर्म भरा है, अगर आपने स्वयं से फॉर्म भरा है तो दोबारा पेमेंट ट्राई करिए। जो पेमेंट स्टक हो गई होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट में। और अगर अभी आपने पेमेंट किसी ई मित्र से करवाई है तो उसके पास जाइए और उनसे कहिए कि सर हमारा ये पेमेंट जो है वो स्टक हो गया है, आप इसे क्या करें, इसे दोबारा रीजनरेट करें, तो वो दोबारा रीजनरेट कर देगा और उसके पास वो अमाउंट वापस आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यूपी के आप जो कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थी उनके लिए थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को पूरी अंत तक देखा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।